तो ये हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ठीक है। बहुत छोटा सा ये प्रूफ है लेकिन समझना इसमें ज़्यादा है। मान लीजिए कि हमारे पास एक चालक है, इस चालक के सिरों के बीच आपने जो है बैटरी से विभवांतर स्थापित किया, ठीक है। जैसे ही विभवांतर आप स्थापित करोगे, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगने लगेगा, ठीक है। और जब बल लगेगा तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस वेग से गति करने लगेंगे, अपवाह वेग से। अपवाह वेग को हम लोग वी डी से दिखाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग ये मान ले रहे हैं कि चालक के एकांक आयतन में, आप फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ के लिखना शुरू करो, मान लिया किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तथा चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, जब चालक के सिरों के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर स्थापित करते हैं, तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग VD से गति करने लगते हैं। अब इसमें देखिए, एक एक चीज़ समझते चलिए और फिर देखिए फार्मूला डिराइव हो जाएगा। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग VD से गति करने लगे, तो हम अगर आपसे पूछें कि ये बताओ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेंगे, कितनी दूरी? भाई कोई भी वस्तु एक सेकेंड में उतनी ही दूरी तय करेगा ना जितनी उसकी चाल होती है। तो इलेक्ट्रॉन की चाल क्या है? VD है। तो एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर लेगा? अब हम आपसे पूछें कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकेंड में कितना आयतन घेर लेंगे, तो आयतन इक्वल टू आप जानते हो होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, और एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों ने कितनी दूरी तय कर ली? VD। तो एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरा गया आयतन हो गया ए इंटू VD। अब हम पूछें कि भैया इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अभी आपने देखा कि भाई आपने माना कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ए इंटू VD आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ए इंटू VD आयतन में इलेक्ट्रॉन होंगे भाई एक रुपये में 5 टॉफी, तो 2 रुपये में कितने टॉफी मल्टीप्लाई होगा ना, तो एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन, तो ए इंटू VD आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, एन से गुणा हो गया, ठीक। अब आपसे पूछें कि भैया फिर ये बताओ एक सेकेंड में चालक से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे, तो एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है स्मॉल ई, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश हो जाएगा, तो
एक सेकंड में चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। अब पूछें कि भैया फिर टी सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो इंटू टी, और टी सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा हो गई क्यू। आपको निकालना है आई, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई, इसमें टी से डिवाइड कर दो, देखो आ गया फार्मूला। ये दो नंबर में आता है बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कि वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो आप लिखते चलिए, एक सेकंड में, हाँ उसी के आगे, एक सेकंड में चालक से प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू ए इंटू वी डी आता है, एक सेकंड में चालक से प्रवाहित आवेश n इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई आता t सेकंड में चालक से प्रवाहित आवेश q इज इक्वल टू, ये लिख दीजिए, अतः चालक से प्रवाहित वैद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी, फिर इसमें ये Q का मान रख दीजिए, ये T से T कैंसिल हो गया और ये धारा घनत्व की डिफिनेशन लिखा है कि नहीं भी, तो हेडिंग डाल दो धारा घनत्व। करंट डेंसिटी, लेकिन चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को चालक के उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं,
यह एक अदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर तथा विमीय सूत्र AL-2। ठीक, अगली हेडिंग धारा घनत्व तथा, हेडिंग है धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। लिखिए, यदि किसी चालक में, हाँ लिखो सर, यदि किसी चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है तथा चालक में विभवांतर स्थापित करने पर बहने वाली वैद्युत धारा कैपिटल आई हो तब आई बराबर NEAVD अतः चालक के किसी बिंदु का धारा घनत्व J बराबर I बटे A। A से ये कैंसिल हो जाएगा और J की वैल्यू आ गई NEBB। अगली हेडिंग डालेंगे चालक का वैद्युत प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और इसी में डैश करके लिख दीजिएगा ओम का नियम इसी के आगे।
ओम का नियम आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था, अगर किसी जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। और इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं चालक का वैद्युत प्रतिरोध, और इसको हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम x अक्ष पर मान लीजिए लेते हैं विभवांतर को, और y अक्ष पर मान लीजिए हम लेते हैं धारा, और इन दोनों के बीच ग्राफ खींचें, तो देखो अगर आप ध्यान से, यहाँ पर आपने v को कहाँ लिया है? x अक्ष पर। तो यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इजकल टू k इंटू y, या फिर y इजकल टू 1 बाई के एक्स, और y इजकल टू एम एक्स, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो ये देखिए, ये ग्राफ बनेगा। तो अक्सर जो है ग्राफ बना करके पूछ देता है एक नंबर में कि बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ ओम के नियम का पालन कर रहा है। तो जिस ग्राफ में वोल्टेज और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा हो, वही ओम के नियम का पालन करता है। अब जितने भी हमारे अर्धचालक वाले वैद्युत परिपथ होते हैं ना, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, संधि डायोड हो गया, ये सब के परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। उनका ग्राफ ये सीधा नहीं बनेगा, ऐसे कर्व बना देता है। ठीक है, तो लिखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कोष्टक में जैसे ताप कोष्टक बंद न बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर कैपिटल वी तथा चालक में बहने वाली धारा आई का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात V अपॉन I इक्वल टू नियतांक, इस नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं। अर्थात वी बटे आई इजकल टू आर।
और इसमें ये ग्राफ बना दो। अब हेडिंग डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध देखिए क्या होता है। जैसे अगर आप किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दोगे तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान से समझिए, तो चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा चालक के उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा चालक के उसी बिंदु के धारा घनत्व के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये किसका गुण होता है? पदार्थ का होता है। जैसे अगर मान लीजिए चालक आपने तांबा लिया हुआ है, तो तांबे का छोटा तार लीजिए, मोटा तार लीजिए, चाहे जैसा भी तार लीजिए, अगर सारे तार तांबे के हैं तो सबके लिए रो का मान वही होगा। लेकिन अगर आपने तांबे की जगह लोहे का तार ले लिया, भले ही दोनों की लंबाई समान है, क्षेत्रफल समान है, सब समान है, पदार्थ बदल गया तो रो भी। समझ में आई बात? अब आप जानते हो कि E को आप क्या लिख सकते हो। अगर चालक के सिरों के बीच विभवांतर V आपने स्थापित किया है और चालक की लंबाई L है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई L। और J को क्या लिख सकते हो? I बाई A। तो ये देखिए हो गया V बाई I इंटू A बाई L। अब V बाई I को क्या लिख सकते हो? R। ये लीजिए फार्मूला आगे, इसका न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो R इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू एल बाई ए। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है एक एक नंबर में, कि बच्चे कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो क्वेश्चन ये करेगा कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को दो गुना कर दें तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो बच्चे नहीं ध्यान देंगे तो उनको ये लगेगा कि भैया रो इक्वल टू आर ए बाई एल है, तो कहेंगे कि भैया लंबाई दो गुना हो गया तो विशिष्ट प्रतिरोध आधा हो जाएगा। जबकि जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा रो का मान, तो लिख दीजिए चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तथा इसे रो से प्रदर्शित करते हैं।
अतः रो इजकल टू ई बाई जे। पैराग्राफ चेंज करिए, इसको समीकरण एक लिख दीजिए। लिखिए यदि चालक की लंबाई L कॉमा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल वी स्थापित किया गया हो तब E इजकल टू वी बाई एल तथा J इजकल टू आई बाई ए। लेकिन इन मानों को समीकरण एक में रखने पर ये रो इजकल टू हो जाएगा ई की जगह लिख दीजिए वी बाई एल और जे की जगह आई बाई ए। ठीक, फिर ये लिख करके यहाँ नीचे तक लिखिए। अब इसके बाद वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक एवं विमीय सूत्र है, तो ये हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। जूल को हम लोग लिख सकते हैं ML स्क्वायर T पावर माइनस टू, कूलाम को लिख दिया A इंटू टी, सबको अंश में ले जाइए तो M L स्क्वायर T पावर माइनस टू और ये ऊपर आया T पावर माइनस थ्री A पावर माइनस टू।
फिर इसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमीय सूत्र, तो रो इज इक्वल टू आपके पास है आर इंटू ए बाई एल, तो रो का एस आई मात्रक हो गया। ओम इंटू ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ओम इंटू मीटर, और रो का विमीय सूत्र ओम की जगह आपने वो लिख दिया है एम एल स्क्वायर ई पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस टू इंटू एल, ये हो जाएगा आपका एम एल क्यूब ई पावर माइनस थ्री। तो इस तरह से सबका विमीय सूत्र भी निकालने आना चाहिए, ये सभी एग्जाम में आता है। चरण